जय श्री कृष्णा। आज हम गीता नाम गुरु माध्यम विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा नवम का सामाजिक विज्ञान की एक पुस्तक है, दूसरा भाग अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र पुस्तक का पहला अध्याय है पालनपुर गांव की कहानी। अब इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस कहानी को पढ़ना पड़ेगा और उस पर फिर सोचना और समझना पड़ेगा कि कहानी का आवाज क्या है। इस कहानी में ये बताया गया है कि भारत एक गांवों का देश है। क्या है? गांवों का देश है। भारत की 75% के लगभग आबादी गांवों में निवास करती है और उसका भी लगभग 75 या 71% लोग कृषि कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कृषि कार्य। और भारत के गांवों की कहानी में हमें एक चीज देखने में आई है कि भारत के गांवों की लगभग एक जैसी ही स्थिति होती है। वहां का सामाजिक माहौल एक जैसा ही होता है। विद्यालय, शिक्षा की कमी, अस्पताल की कमी, चिकित्सा सेवाओं की कमी, सड़क और परिवहन की कमी, उसी तरह भौतिक सुविधाएं जैसे पानी है, बिजली है और अन्य दूसरी सुविधाएं जो मानव के लिए उपयोगी है, सब की कमी होती है या फिर वो उनके पहुंच में बहुत कम आती है या फिर पहुंच से बहुत दूर रहती है। गांव के जो उत्पादन के स्थिति है, गांव का जो उत्पादन है वो लगभग खेती पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? खेती एक प्रमुख गतिविधि है, कार्य है, क्या है? गतिविधि है। अब खेती की गतिविधि से उनका कृषि कार्य चलता है। इसके अलावा गाँव में कुछ अन्य कार्य भी होते हैं। क्या होते हैं? कार्य भी होते हैं जैसे बुनाई के, बढ़ाई के, लुहार के, कुम्हार के या अन्य उत्पाद भी होते हैं, उन्हें हम गैर कृषि कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर कृषि गतिविधियां। क्या कहते हैं? गतिविधियां कहते हैं, विधियां कहते हैं। गैर कृषि गतिविधियां भी गांव में चलती हैं। और जो गांवों का संसाधन है वो गांवों का जो पहला कृषि संसाधन कृषि है, खेती है, वो खेती के लिए जो पहली आवश्यकता है गांव के लिए, वो पहली आवश्यकता है भूमि। क्या है? पहली आवश्यकता क्या है? भूमि। क्या है? भूमि। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, संसाधन। इसके अलावा भी और भी प्राकृतिक संसाधन है जैसे जल, वायु, जल वायु और खनिज। क्या है? खनिज। ये भी प्राकृतिक संसाधन है। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और भूमि स्थिर संसाधन है। कैसा है? स्थिर। अर्थात ये हमेशा इसी रहती है, इस स्थिति में ही रहती है। खनिज कम ज्यादा हो सकता है, वायु दूषित और प्रदूषित हो सकती है, जल भी है जो कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन भूमि पृथ्वी पर एक स्थिर संसाधन है। फिर दूसरी चीज गाँव में है, दूसरी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो गांव में है श्रम, मेहनत। लोगों द्वारा किए गए कार्य को श्रम कहते हैं। श्रम भी दो तरह का होता है, एक होता है अकुशल। क्या होता है? अकुशल श्रम। अर्थात कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ शारीरिक है जो परिश्रम द्वारा ही अपना कार्य और मेहनत पूरा करते हैं। दूसरा होता है कुशल। क्या होता है? कुशल। अर्थात कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें शारीरिक गतिविधियों की जरूरत या शारीरिक मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की या ज्ञान विशेष की आवश्यकता होती है। तीसरी चीज जो होती है गांव में, वो तीसरी चीज है भौतिक पूंजी। क्या है? भौतिक पूंजी। क्या है? भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी भी दो तरह की होती है। क्या होती है? भौतिक पूंजी भी दो तरह की होती है। पहला जो भौतिक पूंजी है जिसमें आप क्या आते हैं? औजार। क्या आते हैं? औजारों के बगैर, टूल के बगैर कोई कार्य नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें मशीनों की जरूरत होती है, ट्रैक्टर भी आपका एक मशीन है और उसके अन्य साधन भी मशीन है। तीसरा है भवन, जगह। उसी तरह एक और होता है कच्चा माल। क्या होता है? कच्चा।
और वो चीज होती है उपयोग, क्या होता है स्वयं स्वयं उपयोग, स्वयं उपयोग। चौथी चीज अर्थात बाजार, क्या होता है बाजार, क्या होता है बाजार, बाजार में वो चीजें जो बनेगी या जो उत्पाद होगा वो कहाँ बिकेगा। इसी तरह तीन चीजों को मिलाने से उत्पादक के कारक कहलाते हैं, क्या भूमि, क्या भूमि, दूसरा है श्रम, क्या है श्रम, तीसरा है पूंजी का संयोजन, क्या है पूंजी का संयोजन। ये उत्पादन के कारक हैं, क्या है उत्पादन, उत्पादन के कारक, अर्थात इन चीजों के मिलने से उत्पादन होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि गाँव में खेती कैसे होती है, भूमि का क्या विषय है, किस तरह से उस पर खेती की जा सकती है या क्या उस पर कार्य किया जा सकता है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि भूमि स्थिर है, क्या है भूमि स्थिर है, क्या है स्थिर है। 75% लोग गांव के कृषि कार्य करते हैं लेकिन उनके पास जमीन वही होती है, क्या होती है जमीन का आकार या भौतिक रूप या आकार वही होता है, स्थिर होता है, और उस पर जोतें भी स्थिर होती हैं, क्या होती है जोतें भी स्थिर होती हैं। जोतें किसे कहते हैं, जो कुल खेती की भूमि है उस कुल खेती की भूमि में से जो कृषि कार्य की, क्या है कृषि कार्य जिस भूमि पर किया जाता है वो जोत कहलाता है। जैसे हमारे पास 40 बीघा जमीन है और अगर हमने उसमें 15 बीघा पर खेती की है तो हमारी जोत हुई है 15 बीघा। दूसरा है तो हम जोतों को बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भूमि भले ही स्थिर है लेकिन हम खेती करते वक्त जोतों को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है क्या इसी भूमि पर हम अधिक पैदावार ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं अधिक पैदावार ले सकते हैं। यह प्रश्न आता है तो है कि अगर हम कुछ कार्य विशेष योजनाएं बनाए तो कर सकते हैं, और दूसरा तरीका तो खेती भी हमारे पास, जैसे आपने पिछले कक्षा में पढ़ी कृषि तीन होती है, तीन मौसम होती है, एक होती है खरीफ, दूसरी होती है रबी की फसल, रबी की फसल, और तीसरी होती है जायद की फसल। तीन अलग अलग मौसमों में बो सकते हैं, पहले हम क्या होते थे खरीफ की फसल बोते थे वर्षा में होती थी। दूसरा हम इनके कृषि मौसमों के आधार पर, दूसरा है सिंचाई, क्या है सिंचाई के साधनों में बदलाव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बदलाव कर सकते हैं। एक थी परंपरागत सिंचाई वर्षा विधि, फिर दूसरी सिंचाई की विधि कौन सी है हमारी हमारा विधि, तीसरी है बूंद बूंद विधि। इन विधियों को काम में लेकर भी कृषि कर सकते हैं। एक और है बहुविध खेती का अर्थ है अनेक एक ही फसल के साथ अनेक फसलें बोकर भी खेती की जा सकती है। जैसे फलों की खेती के साथ हमें जो कुछ अनाज भी उगा सकते हैं, या फिर कुछ अनाज के साथ हम कुछ है जो घास पशुओं के लिए भी उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा एक और आया था हमारे देश में हरित क्रांति, क्या आया था हरित क्रांति, ये 1960 के दशक में शुरू हुआ और इसमें HYV बीजों का प्रयोग किया गया, क्या संकर बीजों को, हिंदी में इसको कहते हैं संकर बीजों का प्रयोग करके भी खेती को